हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है राष्ट्रपति से हमेशा पूछे जाते हैं। और जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है और टारगेट उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच भी सके। जब आप रेड कलर का बटन दबा लेते हैं तो बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लिया करें, उसके बाद ही आपके पास लेटेस्ट वीडियो के मैसेज पहुंच पाते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए, फिर किसी भी वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको हर एक वीडियो का अपडेट भी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में ही होती है। समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखो, अगर राष्ट्रपति मतलब एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उनका जो काम होता है, कार्य होता है, उसे उपराष्ट्रपति संभालता है। ठीक है, पर अगर दोनों अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पूरा काम संभालेगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा। देखो, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले आपके प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, और ये संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। राज्यसभा में 12 कर सकता है और लोकसभा में 2 कर सकता है। ठीक है, उन 2 को क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियंस। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह। आई थिंक ये चेंज हो चुका है अब। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक, प्रतिनिधित्व एवं एकलय संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। भारत को सॉरी राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? सांसद द्वारा महाअभियोग चलाकर, और महाअभियोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट लगा के, महाअभियोग लगा के हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है, यानी कि मतलब अमेरिका में भी इम्पीचमेंट लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, तो ये अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों ये जो नीलम संजीव रेड्डी थे, इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ था, तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीलम संजीव रेड्डी के बिना किसी मतलब अगेंस्ट में इनके खड़ा नहीं हुआ था, तो निर्विरोध ये चुने लिए गए थे कि यही राष्ट्रपति हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? बिहार से। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है अक्सर। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो अगर आपको उपराष्ट्रपति ऑप्शन में मिलता है तो आपको ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि उपराष्ट्रपति आप लगा दें, पर उपराष्ट्रपति की नहीं करता है। वित्तीय बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। अगर वित्तीय बिल लेके आते हैं लोकसभा में, ठीक है, तो उसमें राष्ट्रपति का पहले ही स्वीकार मतलब उनका लेना पड़ता है, तो तभी लेके आ सकते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14। 12 होते हैं राज्यसभा में और 2 लोकसभा में होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्री परिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाह राष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? एम हिदायतुल्ला। किस विधेयक को राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद ही पारित किया जाता है, मतलब उसका जो प्रोसेसिंग होती है धन विधेयक की, वो स्टार्ट ही तभी होती है जब राष्ट्रपति उस पर अपने साइन कर देता है। तो राष्ट्रपति उसको पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटा सकता, तो धन विधेयक ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे अक्षमदान दे सकता है? राष्ट्रपति। एक राष्ट्रपति ही पूरी इंडिया में, अगर फांसी की सजा किसी की अगर हो गई तो राष्ट्रपति उसको दे सकता है अक्षमदान, ठीक है, सिर्फ राष्ट्रपति। तो ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति को होती है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? भारतीय डाक अधिनियम। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो राष्ट्रपति को वीटो पावर होती है एक, तो वो जो यूज की है भारत के राष्ट्रपति ने, भारतीय डाकघर अधिनियम में की थी, ठीक है। तो यह भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है।
दोस्तों इस वीडियो में थे राष्ट्रपति से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैंने इसमें कवर किए हैं। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आप चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाएँ, और प्रीवियस सारी वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जीके की और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, आपकी उत्तर प्रदेश की मैथ की प्लेलिस्ट, हैशटैग पार्ट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 5000 क्वेश्चन सीरीज, सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जरूर देख लें। आपका कोई भी सुझाव है, आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो आपको यहाँ पे ये दो वीडियो दिख रही है ये वाली, आप ये भी देख सकते हैं, और बीच में आप एक बटन दबा के भी चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।